उस्ताद नौशाद, उस्ताद मूसा ये बेहतरीन उस्ताद हैं, क्योंकि दो साल इन्होंने जो सिखाया हमें, हम समझते हैं ये बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया। लियारी में तो सबका यही इंटरेस्ट होता है कि बॉक्सिंग फुटबॉल वगैरह के अंदर जाएँ, तो हर शख्स का इस लियारी के अंदर इसमें स्पोर्ट, हर स्पोर्ट के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मेरा इंटरेस्ट भी बॉक्सिंग के अंदर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने शुरुआत से देखा ही था मोहम्मद अली किले वगैरह को, कैनेलो वगैरह मेरा फेवरेट बॉक्सर था, तो इसने इंटरेस्ट मेरा बढ़ाया, तो मैं इसके बॉक्सिंग के अंदर ज्वाइन मैंने किया 2 साल पहले। मेरा नाम नौशाद फतेह, मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और मैं लियारी में रहता हूँ। मैंने 97 में यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग सीखा, जो कि शाबिक लेन के एरिया में है, और उसके तकरीबन 6 से 7 महीने बाद में जब हमने घर तब्दील की, तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी, तो मेरे अबू के उस्ताद थे उस्ताद सिद्दीक कामरानी, तो उसने उससे बात करके मुझे मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब में एडमिशन करा दी। और मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब वो क्लब है जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल के बेहतरीन बॉक्सर पैदा किए हैं, और इस क्लब का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, और ये दुनिया का एक बेहतरीन बॉक्सिंग क्लब हुआ करता था, जहाँ पहले बहुत सारे मुल्क की टीमें आके हमसे बॉक्सिंग सीखा करते थे, जैसे कि बांग्लादेश, ईरान या बहुत सारे कंट्रीज। अच्छा, ये मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब है, यहाँ पहले दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के टीमें आती थी और यहाँ ट्रेनिंग करते थे, हमसे बहुत कुछ सीख के जाते थे। ये तकरीबन 2011 या 12 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब जब पाकिस्तान दुनिया में अच्छे नंबरों में था, इंडिया से तो बहुत आगे था बॉक्सिंग में, ठीक है। उनमें सबसे जो अहम किरदार था वो प्रोफेसर अनवर चौधरी, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेजेंट थे, और उसमें खास ये था कि उसको अगर बॉक्सिंग में कुछ चेंज लाना या कुछ नया पैदा करना, कुछ सेफ्टी रूल्स पैदा करना हो, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सिंग प्रोफेसर उस्ताद याकूब कामरानी से आके पूछते थे। उस्ताद याकूब कामरानी एक ऐसे बेहतरीन प्रोफेसर थे, बॉक्सिंग प्रोफेसर, जो नए नए रूल्स बनाते थे। उसने एक बार प्रोफेसर अनवर चौधरी से कह दिया कि ये होना चाहिए, पूरी दुनिया को लागू हो जाता था। और उसके छोटे भाई उस्ताद सिद्दीक कामरानी, पाकिस्तान के एक अजीम बॉक्सर जिसने इसराइल के बॉक्सर को नॉकआउट भी किया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, वो भी एक अजीम उस्ताद हैं हमारे, ठीक है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो उस्ताद याकूब का मैं कह रहा हूँ, वो एक अजीम शख्सियत थे। उसके इंतकाल के बाद तकरीबन हमारे पाकिस्तान की बॉक्सिंग में बहुत नुकसान हुआ। चौधरी के इंतकाल के बाद नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन जो नुकसान उस्ताद याकूब कामरानी के बॉक्सिंग इंतकाल के बाद हुआ, हमारी बॉक्सिंग तबाह और बर्बाद हो गई। वो बहुत अजीम शख्स थे और उसका होना ज़रूरी था, बस क्या करें, अल्लाह ताला को जो मंजूर हो। बाकी उस्ताद याकूब के जो खिदमात हैं, अगर आप हर जगह जाके पूछें तो वो कहेंगे कि उस जैसा कोई नहीं। बॉक्सिंग में आने की वजह मेरे भाई, उनको मैंने बॉक्सिंग करते हुए देखा तो मेरा शौक बढ़ा, और मैं बहुत ही शैतान लड़का था, लड़ना झगड़ना मस्ती करना 12-13 साल की उम्र में, तो मैं सोचता था कि यार मैं बॉक्सिंग सीख जाऊँ तो फिर स्कूल में या इलाके में ये बहुत सारे बड़े लड़के थे बहुत ज़्यादा ही और बदमाश बन के घूमते, तो उनमें मैं महंगा पड़ जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बॉक्सिंग सीखता गया, आगे बढ़ता गया, और फर्स्ट चैम्पियनशिप अंडर 14 मैंने खेला, तो उसके बाद मुझे याद नहीं कि मेरे जहन में ये बात आई कि मैं कभी किसी से बाहर लड़ूँ। वो शौक, वो बरम, वो एक जो बदमाशी टाइप की सोच है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर एक ये हो जाता है कि यार मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान, अपने इलाके और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो है इस क्लब में जब मैं आया था तो मेरी उम्र 13 साल थी, और अब मैं 40 हूँ, 40 साल का हूँ।
और 40 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। अंडर 15 में सिंध गवर्नमेंट प्रेस के लिए खेला, फिर अंडर 16 मुझे केपीटी ने ऑफ़र किया तो मैं केपीटी के लिए खेला। पहली बार मैं नेशनल चैम्पियन हुआ अंडर 16, 16 साल की उम्र में मैं नेशनल चैम्पियन हुआ और उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में गया और पाकिस्तान के बेहतरीन बॉक्सरों से मैं खेला और फिर मैं नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ, फिर नेशनल चैम्पियनशिप में सीनियर में मैंने कल तो गोल्ड हुआ। तो इस तरह करते करते मैंने पाकिस्तान के बेहतरीन बॉक्सरों से खेला और उनको जो मेरे सीनियर थे उनको जीतता गया और आगे बढ़ता गया और पाकिस्तान के लिए खेलने लगा। वैसे तो पूरी दुनिया के एक ही बॉक्सर फेवरेट मोहम्मद अली किल्ले, लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर कोई कहे तो मैं कहूँगा माइक टायसन, हैदर अली, रशीद बलोच और मेरुल्ला, ये हमारे बेहतरीन बॉक्सर हैं पाकिस्तान के। और एक तक केसी का मोहम्मद अली, जिसको शायद अभी बहुत सारे कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में उन इन सब से वो बेस्ट है और दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, जिसका मैंने बहुत कॉपी की। हम छोटे थे और मैं उसे बहुत पसंद किया करता था। और ये लियारी जो है ना, ये स्पोर्ट्स की एक ऐसी दुनिया है। यहाँ हम तो ज़ाहिर हम यहाँ रहते हैं, मेरे वाले साहब एक इंटरनेशनल फुटबॉलर थे तो मेरे भाई भी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर और बॉक्सर थे। मुझे शौक तो हाल में ही मेरे अंदर ये पैदा होना था, या तो मैं बॉक्सर बनता या तो फुटबॉलर या साइकिलिंग का मुझे शौक था। लेकिन ये है कि लियारी वालों के खून में स्पोर्ट्स है। ये क्लब पाकिस्तान का दूसरा नंबर सबसे बड़ा क्लब है, पुराना ओल्ड, ठीक है, बड़ा क्लब नहीं कहूँगा, ओल्ड। वैसे नंबर वन में ये था लेकिन ओल्ड में बोल रहा हूँ इसलिए कि सबसे पहला जो है लियारी लेबर बॉक्सिंग क्लब है, जो हमारे बाबा बॉक्सिंग उस्ताद मोहम्मद सट्टू का क्लब है। उसके बाद ये क्लब है मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब, जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक लेवल के बेहतरीन बॉक्सर दिए और आज तक किसी ने ऐसे बॉक्सर पैदा नहीं किए जितने अच्छे बॉक्सर हमारे क्लब ने पैदा किए। मेरे स्टूडेंट्स में वैसे तो सब मेरे फेवरेट है, लेकिन ये है कि मेरे स्टूडेंट में एक तो पाकिस्तान के लिए खेल चुकी है लड़की है, रज़िया बानो, पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए साउथ एशियन गेम से ब्रॉन्ज मेडल लाई है। और इसके अलावा मेरे स्टूडेंट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेरा दूसरा नंबर बेटा, वो इसलिए कि उसमें कुदरती ऐसा बॉक्सर है जो मैं किसी और को भी कुछ समझा रहा हूँ तो पैदा उसमें होगा वो चीज़, एक पैदाइशी बॉक्सर है वो, और उसका अंदाज़ इतना प्यारा है। हमारे क्लब में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब उसको लाइक करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब हमारे कोच, हमारे और भी क्लब के जितने भी बॉक्सर हो कहते हैं कि यार ये बेहतरीन बॉक्सर बनेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं बॉक्सिंग के। और इसके अलावा बाकी हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं जिनको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वो बेहतर होंगे। नौमान एक लंबा खत रखता है, सेवानी बेहतरीन एक बॉक्सर बनने के उसके भी चांसेस हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर एक हद तक करके फिर गायब हो जाते हैं और जो रुक जाता है वो बॉक्सर बन जाता है। ये तो ज़रूरी है, होना ही चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं, ठीक है। हाँ ये है कि लड़कियों के आने से जो है बाद लोगों को एतराज़ भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो क्योंकि एक इस्लामी कंट्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई लड़की बॉक्सिंग करना चाहे और उसका एक ड्रीम हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अपने मुल्क का नाम करना है, अपने उस्ताद का, अपने क्लब का, तो कुछ और नहीं सोचती हो, बस यही है कि मुझे एक मेरा टारगेट है और मुझे वो हासिल करना है और ये बेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी क्लब हैं इनको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, खास करके केएमसी, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्लबें बनी हैं वो केएमसी की ज़मीनों में बनी हुई हैं। फिर उसके बाद सिंध स्पोर्ट बोर्ड है
जो तकरीबन अब कुछ टाइम बाद क्लबों को सामान भी देता है, और हमारे कुछ लीडर हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो ये है कि हमारे मुल्क में जो खास करके कराची में जो इदारे थे, जैसे कि मैं KPT का बॉक्सर हूँ, मैं KPT के लिए खेलता हूँ, लेकिन और जो खिलाड़ी अभी तैयार हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, उनके लिए आगे क्या KPT का टीम ख़त्म हो गया, KMC ये अपना स्टील मिल का टीम ख़त्म हो गया, नेशनल बी का टीम ख़त्म हो गया, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं उनके टीम ख़त्म हो गए। तो फिर ये खिलाड़ी जो बेचारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें तो नौकरी मिल गई, इनका क्या? इनका तो एक सोच होता है कि हम भी खेलेंगे, एक डिपार्ट में जाएंगे और फिर डिपार्ट के बाद हम मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ज़ाहिर ही एक सपोर्ट होता है ना कि घर में बंदा घास खा के भी अगर आए ना तो भी वो भी पैसों से मिलती है, ठीक है? तो पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, पैसे होंगे तो बंदा अपने सेहत का ख्याल रखेगा और आगे बढ़ सकेगा, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या ख्याल रखना, क्या डाइट होगी, क्या? हम तो ये कहते हैं कि हमारे गेम में खुश्क मेवे खाना ज़रूरी है, दूध पीना ज़रूरी है और जो है फ्रेश जूस पीना ज़रूरी है, तो उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। आजकल तो एक कम से कम एक छोटी सी फैमिली दो बच्चों के साथ भी होना तो उसका भी मंथली खर्चा कम से कम 1,00,000 रुपया है। आप ज़रा सोचे इतना महंगा हो गया हमारा मुल्क, तो एक खिलाड़ी की जो ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा। नुकसानात उस वक्त होंगे जब आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। रूल्स ये हैं कि अगर हम क्लब में ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो हम लड़कों के कहते हैं बेटा आप ग्लोव्स पहनो, आप बैंडेज पहनो, आप गम शीट पहनो, आप हेड गार्ड पहनो, आप कप गार्ड वगैरह जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उन सबको पहनो, ठीक है? वो बनाए इसलिए गए ना कि ताकि आपका सेफ्टी हो, तो तब तक कोई नुकसान नहीं। अगर इनको छोड़ दोगे तो आपके बहुत सारे, जैसे कि आपका चिन टूट सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाक की हड्डी भी टूट सकती है और आपके दांत भी टूट सकते हैं, आपके ओंठ जो है आपके दांत में भी घुस सकते हैं, ओंठ कट भी सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त जब तक आप सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करोगे। बाकी इसके नुकसान और तो कुछ नहीं, इसके फ़ायदे ये भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी, आपका सेहत अच्छा रहेगा और आपके अंदर एक अच्छा तजुर्बा आएगा कि अल्लाह ना करे कि आप पर अगर बाहर कोई ज़बरदस्ती जबरन अगर ऐसा कोई मसला आ जाए तो आप कम से कम जान तो छुड़ा सकोगे ना। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आप लोग एक ये कोशिश करें कि जितने भी इदारे कराची के और भी, मतलब कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के, लेकिन क्योंकि बाकी जगहों में जो तय हुए हैं अभी तक सिर्फ कराची वालों के और सिंध वालों के लिए, बाकी इदारे ख़त्म हो चुके हैं। स्टील मिल का टीम था वो ख़त्म कर दिया, KPT का इतना नंबर वन टीम था ख़त्म, KC का टीम ख़त्म, सिंध गवर्नमेंट फ्रेश का टीम ख़त्म, नेशनल बैंक का टीम ख़त्म, जितने भी थे सब ख़त्म कर दिए गए। अल्लाह के वास्ते उन सब इदारों को, उन उदा स्पोर्ट्स को फिर से बाल करो, खास करके बॉक्सिंग की टीम को बाल करो। आप देखें जो खिलाड़ी आज जाके बाहर पहले दूसरे राउंड में नॉकआउट होके आ रहे हैं, वो देखो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से और वर्ल्ड लेवल से गोल्ड मेडल ले आएंगे। ये हमने देखा है हमारे दौर में, सेफ गेम्स में 7 गोल्ड मेडल, ओलंपिक अब वक्त क्वालिफाई हो रहा है जा रहे हैं, ठीक है, एक अपना कॉमनवेल्थ से भी मेडल आ रहा है, एशियन गेम से भी गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल सब आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब उसकी वजह यह कि पहले फेडरेशन था यहाँ और पूरे पाकिस्तान से मेरिट में एक टीम बनती थी, वो चले जाते, क्योंकि उस वक्त डिपार्टमेंट भी थे तो लड़के खा पी रहे थे और ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहे थे, वो सारे इदारे भी थे। अब कुछ है नहीं किसी के पास, वो क्या करेगा? आप सोचें ज़रा, किसी के घर में भूख से लोग निडाल हैं और पैसे है नहीं, वो आके बॉक्सिंग या फुटबॉल करेगा, क्योंकि हमारे गेम तो यही है, बॉक्सिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, ये हमारे गेम है। लेकिन हम इसमें पीछे क्यों हो गए? क्योंकि एक तो फेडरेशन जो यहाँ था वो यहाँ से रवाना हो गया, ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जितने भी इदारे थे फेडरेशन जाने के बाद वो सब ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए कुछ नहीं पता, जबकि पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर उनमें थे और मेडल ला रहे थे,
नंबर वन प्लेयर थे पाकिस्तान के। सारे जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सब के लिए एक पैगाम तो सबसे पहला ये है कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, बॉक्सिंग के लिए अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप बॉक्सिंग के लिए पढ़ाई तो छोड़ोगे, लेकिन यहाँ आपका आप बेहतरीन बॉक्सर शायद बन भी जाओ, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए तो वहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ जाती है पढ़ाई, क्योंकि आप पढ़े लिखे होगे तो आप अच्छे लेवल पे एक ऑफिसर बनोगे। वरना जितने भी बड़े बॉक्सर हो, आपको बनना प्यून है या तो माली है, जो बागों में पानी दोगे आपकी कोई वैल्यू या इज्जत नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजह यह कि यहाँ खिलाड़ियों की वो इज्जत नहीं है जो बाहर है, बाहर इंटरनेशनल बॉक्सर हो, फुटबॉलर हो या जो भी हो, उनसे काम नहीं करवाते, बल्कि या तो ट्रेनर होते हैं या तो रिलैक्स हो रहे होते हैं और जॉब ड्यूटी नहीं करते। और प्यून और माली की तो ड्यूटी बिल्कुल ही नहीं करते, ना ही चौकीदार होते हैं। हमारे कितने हमारे अजीम बॉक्सर रशीद कामरानी, अरे जिसको इसका इसके बारे में तो मैं कहना भूल गया, वो तो मेरे बड़े प्यारे बेहतरीन बॉक्सर थे, शाहिद जान, रशीद बलोच, रशीद कामरानी। बहरहाल रशीद कामरानी एक ऐसे अजीम बॉक्सर जिसने क्यूबा में जाकर क्यूबा के अंदर क्यूबा के बॉक्सर को मारा, दुनिया के बेहतरीन बॉक्सरों को मारा, और आज जो एक टाइम ऐसा आया वो चौकीदारी कर रहा, स्टील मिल का प्लेयर था चौकीदारी पे, उसको जबरन नौकरी से उनको निकाला भी, और फिर अभी उसकी हालत ये है कि वो ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब है कि वो उस बेचारे की हालत बहुत ही बेकार है। अगर नेशनल प्लेयर्स ऐसे होंगे आगे जाकर, जो पाकिस्तान के ऐसे अजीम बॉक्सर, ऐसे अजीम प्लेयर जिनको दुनिया बाहर के बॉक्सर भी पसंद करते थे कि यार प्लेयर हो तो ऐसे हो, और उनकी हालत बेचारों की, हम जिनको देख के कॉपी किया करते थे उनकी हालत देखो। तो ज़रूरी है कि बच्चे बच्चियां पढ़ें, ताकि अगर बॉक्सिंग में कुछ हासिल ना हो तो एजुकेशन के ज़रिए कुछ हासिल हो, ठीक है। फुटबॉल में अगर कुछ हासिल ना हो तो एजुकेशन के ज़रिए कोई हुनर भी सीखें, ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाएँ या इंजीनियरिंग फील्ड में जाएँ, ताकि अपने लिए कुछ कर सकें, क्योंकि मुस्तकबिल में हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। क्लब तो अच्छे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इन क्लबों का होना बेकार है जब तक वो जो खिलाड़ी आते हैं खेलने उनके लिए जॉब ही ना हो, आगे जाने के रास्ते ना हो, तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा जो एक बॉक्सर्स के लिए भी है, बॉक्सर्स के भी लिए, कोचेस के लिए भी है, और ये कि आप अगर, जब एक कोचेस को कह रहा हूँ कि जो आप अपने खिलाड़ी पर मेहनत करते हैं उसके बेसिक पे ज़्यादा मेहनत करो। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है बॉक्सिंग खेलने के लिए। बॉक्सिंग में पावर आता है और आपके पंचों में पावर आता है आपके बुनियाद से लेकर पंच तक, तो इसीलिए उसके बेसिक पर उस मेहनत करें। उसके फुट बैलेंस कैसे हैं, उसकी बॉडी बैलेंस, उसके गार्ड बैलेंस और फुटवर्क कैसा करें, उसका डिफेंस सिस्टम तो बाद में देखना है, पहले इस सिस्टम को ठीक है, उसका जो एक ढांचा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खिलाड़ियों के लिए ये है कि अगर आप एक बेहतरीन प्लेयर बनना चाहते हो तो कोच ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बात भी करे आप ना सुने ना बोलें, आप अपनी ट्रेनिंग करें और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जब तक आपके अंदर तमीज़ नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, ना आपकी वैल्यू होगी। आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, मैंने अच्छे से अच्छे प्लेयर देखे जो हाई लेवल के प्लेयर थे, अगर उनमें डिसिप्लिन नहीं था वो कैसे हालत हो गई, उनकी नशे में पड़ गए। पाकिस्तान में तो कम से कम बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, क्योंकि लहरी में अच्छे से अच्छे बॉक्सर हैं, अच्छे अच्छे फुटबॉलर हैं, अगर उनको एक्सपोजर किया जाए तो इंशाल्लाह वो भी इंटरनेशनल तक जा सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल में आराम से खेल सकते हैं। ना स्पॉन्सर किया जाता है, ना सपोर्ट किया जाता है, इस वजह से लहरी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी नीचे ही हैं, जबकि पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स हैं।